हाय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका साथी शिवम शुक्ला हाजिर हूँ फिर नए टॉपिक के साथ। आपको माना हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सिंग, और उसमें पढ़ रहे हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सर इक्विपमेंट। दोस्तों, हम लोगों ने कई इक्विपमेंट कवर किए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा हो पीछे जाके देख लें। ऑर्डर वाइज लेक्चर दिए हुए हैं। तो जिस तरीके से मैंने पहले नीडिंग मशीन को यूज़ किया, शिवम मिक्सर को यूज़ किया, एक्सप्लेन किया, फिर हमने रेवन ब्लेंडर को एक्सप्लेन किया, अब हम बैनबरी मिक्सर के बारे में आपको बताने वाले हैं। हाँ, आपके सामने फिगर लगा हुआ है इंटरनल बैनबरी मिक्सर का। देखो, ये इंटरनल बैनबरी मिक्सर है, सिंपल जो है एक सिलेंड्रिकल सीट है टाइप की, ठीक, जिसके अंदर दो ब्लेड लगे हुए हैं। ये ब्लेड जो है नाशपाती आकार के होते हैं, पीयर के आकार, पी ई ए आर, ब्लेड जो है पीयर शेप में होते हैं, नाशपाती शेप में होते हैं, ठीक। तो इसलिए इसका नाम बैनबरी मिक्सर है। और सिलेंड्रिकल सीट होती है, ऊपर से मटेरियल डालते हैं, फीड को डालते हैं, और 10 से 20 मिनट 25 मिनट हम उसको क्या करते हैं, हम चलाते हैं, और हम हैवी ड्यूटी हो ज़्यादा होती है तो हाई प्रेशर चलाते हैं इसको, बैठे तो आप 60। और चलाने के बाद क्या करें, मिक्स आता है तो नीचे से स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है, दरवाज़ा लगा हुआ है, आपने देखा होगा, हम कुछ भरा हुआ है, अब प्लेट को खींच लें होल से तो वो नीचे होल जाता है, मटेरियल पुट डाउन नीचे आ जाता है। वैसे सिस्टम लगा हुआ है, स्लाइडिंग डोर है, इससे क्या होगा, लिक्विड हमारा सारा मटेरियल जो है जो हम कर रहे हैं, हम कोई प्लास्टिक से डील कर रहे हैं, रबर से डील कर रहे हैं, उनको मिक्सअप कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो सब बिटॉन जाता है, ठीक। तो इस तरीके से इसका वर्किंग है। यहाँ पर क्या है, सफलिंग, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये मटेरियल को सफलिंग करता है, मिक्सिंग करता है, स्मरिंग करता है, तो इस तरीके से प्रिंसिपल है इसका, आप लोग समझेंगे उसके बारे में पूरा। दूसरा, अगर हम इसके बारे में बात करें, हेयर मिक्सिंग अकर्स बाय द टू ब्लेड फॉर हैवी ड्यूटी। यहाँ पर दो ब्लेड हैं, क्योंकि हैवी ड्यूटी मतलब जो है, अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल हैंडल करना हो तो हम इस तरीके से इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक। ब्लेड इज पीयर शेप, मैंने आपको बता दिया कि ब्लेड जो होते हैं वो पीयर शेप में होते हैं, नाशपाती आकार के होते हैं, इसलिए इसका नाम बैनबरी मिक्सर रखा गया है। इसकी स्पीड के बारे में, 40 आरपीएम इसकी स्पीड रहती है, या फिर लोग 40 आरपीएम किससे मेंटेन करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मोटर गियरबॉक्स से मेंटेन करते हैं, तो इसकी स्पीड जो है 40 आरपीएम रहती है, इजीली ये मिक्सर करते रहता है, आराम आराम से मिक्सिंग करते हैं, ठीक। क्लियरेंस बिटवीन द ब्लेड, तो जो ब्लेड है इनके बीच में क्लियरेंस कम होती है, जब मूव करते हैं तो बिल्कुल पास पास आके मूव करते हैं, तो इस तरीके से जितनी जो क्लियरेंस है वो कम होगी तो अच्छा जो है मिक्सअप होगा, बहुत क्लियरेंस कम नहीं होनी चाहिए, ताकि मटेरियल जो है एक लिमिट के बाद क्या होगा, मिक्सिंग होना कम हो जाएगी, मिक्सिंग जो है इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, ठीक। तो फॉर फीड एंटर द टॉप, आपको मालूम है टॉप से फीड एंटर करती है, और ये जब मिक्सिंग हो जाती है 15-20 मिनट बाद, तो थ्रू स्लाइडिंग डोर है उसको खींच के हम मटेरियल को बिटॉन कर लेते हैं, ओके। नॉर्मली इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो बैच वाइज काम करता है, तो फीड फिर हीट रिमूव बाय द कूलिंग जैकेट, इसके बाहर एक कूलिंग जैकेट लगी रहती होता है, मिक्सिंग दौरान क्या होता है, कभी हीट भी क्रिएट होती है, आपको मालूम है दो मटेरियल अगर उनको मिक्सअप कर रहे हैं, फिर केमिकल्स उनको मिक्सअप कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हीट हमारी बन सकती है, हीटअप हो सकता सिस्टम, तो हम उसको हीटिंग को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाहर कूलिंग वाटर की जगह ला देते हैं, कूलिंग वाटर एक तरफ से एंटर करता है सर, निकल जाता है ना, तो कूलिंग वाटर टेम्परेचर इतना रहता है, लगभग 40 से लेकर 40 टेम्परेचर 35 टेम्परेचर आता है, और आने बाद जो है वो टेम्परेचर गर्म होकर 50% तक पहुँच जाता है। फिर हम उसको कहते हैं कि इट मिक्स बाय द सॉफ्ट ट्यूब, आपको मालूम है कि यहाँ पर चीज़ें सॉफ्ट लगी होती है जो प्रॉपर इसमें मिक्सिंग करती है। और दोस्तों, स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं। मैं कई लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर हमारी मोटर की स्पीड जो है वो ज़्यादा है और इस मिक्सर की हमें कम स्पीड मूव कराना है, तो हम बीच में गियर बॉक्स का यूज़ करेंगे, जो कि स्पीड को रेगुलेट करेगा जो अगर नीड है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारी प्रोसेस की एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक जो है हमारी मिक्सिंग इफेक्ट पे डिपेंड करती है। तो आप काफ़ी लोग जो है इसके बारे में समझ चुके होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम लोग क्या है कि मैंने बता दिया था पहले ही कि हम सिग्मा मिक्सर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसमें कौन कौन से ब्लेड यूज और अनकन एक्सप्लेन कर चुके हैं, रेवन ब्लेंडर के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर बैनबरी मिक्सर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, आगे चल के हम लोग मुलर मिक्सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिक्सर, इसके बारे में हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, और टम्बलिंग मिक्सर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, अगर मैं इसके यूज़ के बारे में बात करूँ, तो जो लोग हमारे रबर एंड प्लास्टिक ब्रांच के हैं तो कभी कभी कहने लगते हैं हमारी ब्रांच तो केमिकल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप केमिकल ब्रांच के हो, हमेशा कहीं भी इंडस्ट्री में जाओगे आपसे केमिकल के क्वेश्चन पूछेंगे। दोस्तों, अपने दिमाग से गलत ख्याल निकाल दीजिए, आप केमिकल के हो। देखिए, रबर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है उन सब में मिक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बैनबरी मिक्सर का प्रयोग करते हैं,
तो आप लोग काफ़ी चीज़ों को समझ गए होगे। हम यहाँ से फिर करते हैं, यहाँ से आउटर निकालते हैं, दो बेल्ट लगे होते हैं हैवी ड्यूटी के लिए, ये बैंड वाली मिक्सर है क्योंकि इसकी जो बेल्ट है वो पियर शेप में है और आप सबको समझ ही गए हो। तो इस तरीके से हम इसे इजीली मिक्सिंग कर पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल पर देखते रहिए, वीडियो को देखिए और शेयर करिए। नमस्कार।